बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट ईयर एफएससी का मैथ। हमारे चैनल का नाम आसिफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज 10.4 है। हमारे पास का जो मेन टॉपिक है वो है सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कोसाइन। देखिए हमारे पास है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, और यहाँ ये क्लियर कर दें कि अल्फा ग्रेटर देन बीटा। जो यहाँ अल्फा है वो जो एंगल है बीटा से क्या होगा, बड़ा। देखें गौर करें, अगर दोनों साइन है, दरमियान में प्लस का साइन है, तो मल्टीप्लीकेशन में पहले साइन आएगा अल्फा प्लस बीटा ओवर टू इनटू कॉस अल्फा माइनस बीटा ओवर टू। देखें मैंने बोला कि पहले साइन आएगा मतलब बेटा ये है कि प्लस वाला फैक्टर जो है वो साइन के साथ आएगा और जो नेगेटिव फैक्टर है वो किसके साथ आएगा, कॉस के। सेकंड हमारे पास है, अगर दोनों साइन है दरमियान में माइनस है तो टू इंटू पहले कॉस आएगा अल्फा प्लस बीटा ओवर टू इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर टू। इसी तरह अगर हमारे पास दोनों कॉस हैं दरमियान में प्लस है, दोनों कॉस हैं और दरमियान में प्लस, तो मल्टीप्लीकेशन में भी दोनों कॉस आएंगे, कॉस अल्फा प्लस बीटा ओवर टू इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा ओवर टू। इसी तरह अगर दोनों कॉस हैं दरमियान में माइनस है तो माइनस के साथ दोनों साइन आएंगे, टू साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर टू साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर टू। दोबारा एक दफा रिपीट कर लें, अगर दोनों साइन है दरमियान में प्लस है तो बेटा टू इंटू साइन, पहले साइन के साथ पॉजिटिव यानी अल्फा प्लस बीटा वाला फैक्टर साइन के साथ आएगा, अल्फा माइनस बीटा वाला फैक्टर कॉस के साथ आएगा। जब आप सम को चेंज करेंगे प्रोडक्ट में तो बेटा टू पे डिवाइड करते हैं। अगर दोनों साइन है दरमियान में नेगेटिव है तो पहले कॉस आएगा और बाद में साइन। बेटा पहले कॉस आने का मतलब है कि प्लस वाला फैक्टर कॉस के साथ आएगा और नेगेटिव वाला फैक्टर साइन के साथ। आप देखें ये बड़ी वाजिया पहचान है, अगर दोनों कॉस हैं दरमियान में प्लस है तो मल्टीप्लीकेशन में भी दोनों कॉस आएंगे, साथ टू भी आएगा। इसी तरह अगर दोनों कॉस हैं दरमियान में नेगेटिव है तो दोनों साइन आएंगे नेगेटिव साइन के साथ। अगर प्लस है कॉस के दरमियान तो फिर भी दोनों कॉस आएंगे, अगर नेगेटिव कॉस के दोनों कॉस के दरमियान है तो दोनों साइन आएंगे लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। अब हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.4 है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो गौर करें हमारे पास दोनों साइन है दरमियान में प्लस है, तो देखो मैंने कहा था कि अल्फा ग्रेटर देन बीटा, बड़ा एंगल अल्फा है और छोटा एंगल क्या है बीटा, तो इसका मतलब 5 थीटा बड़ा है और 3 थीटा हमारे पास क्या है छोटी वैल्यू है। तो इसका मतलब जब दोनों साइन हो तो दरमियान में प्लस हो तो देखें पहले साइन आएगा बाद में कॉस आएगा, पहले वाला फार्मूला क्या लिखेंगे, 2 इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा, देखें अल्फा प्लस बीटा ओवर टू, 5 थीटा प्लस 3 थीटा ओवर टू इंटू कॉस 5 थीटा माइनस 3 थीटा ओवर टू। देखें अल्फा प्लस बीटा होगा और अल्फा माइनस बीटा होगा, देखो बड़े में से छोटे को प्लस करेंगे और बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, तो 2 इंटू साइन 5 प्लस 3 8 थीटा ओवर टू इंटू कॉस 5 माइनस 3 2 थीटा ओवर टू। तो ये हमारे पास आएगा 2 इंटू साइन 4 थीटा कॉस थीटा। नेक्स्ट देखें दोनों कॉस है दरमियान में माइनस, ये देखें आपके दोनों कॉस दरमियान में माइनस हो तो दोनों साइन आएंगे मल्टीप्लीकेशन में लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। बड़ा एंगल अल्फा, अल्फा क्या है 7 थीटा, बीटा क्या है थीटा, बड़े एंगल को अल्फा बोलेंगे छोटे एंगल को बीटा। तो देखिए हमारे पास दोनों साइन आएंगे 2 साइन और साइन, तो देखें दोनों को दरमियान में माइनस, माइनस 2 साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा 7 थीटा,
प्लस थीटा ओवर टू अल्फा माइनस बीटा ओवर टू, देखिए अल्फा माइनस बीटा ओवर टू, तो माइनस टू साइन एट थीटा ओवर टू इंटू साइन सिक्स थीटा ओवर टू, सेवन माइनस वन सिक्स थीटा, एट प्लस वन सेवन प्लस वन एट थीटा, इनको कैंसिल कर लें तो माइनस टू साइन फोर थीटा इंटू साइन थ्री थीटा, फोर एट को टू पे डिवाइड करेंगे फोर, सिक्स को टू पे डिवाइड करेंगे तो थ्री। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर टू, उसका पार्ट सिक्स है। देखिए हमारे पास दोनों साइन है दरमियान में प्लस, पहले वाला फार्मूला दोनों साइन दरमियान में प्लस, तो मल्टीप्लीकेशन में पहले साइन आएगा बाद में कॉस, यानी प्लस वाला फैक्टर साइन के साथ, नेगेटिव वाला फैक्टर कॉस के साथ। तो इसको सॉल्व करें, बड़ा एंगल अल्फा है, एक्स प्लस थर्टी डिग्री बड़ा है, और बीटा जो है हमारे पास एक्स माइनस थर्टी डिग्री। आपने बड़े एंगल को अल्फा बोला, छोटे एंगल को आपने बीटा। तो देखिये दोनों साइन है दरमियान में प्लस, अगर दरमियान में प्लस हो तो पहले साइन आएगा टू साइन अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस थर्टी डिग्री एक्स माइनस थर्टी डिग्री, जब सॉरी अल्फा प्लस बीटा जी फर्स्ट मैंने किया, इनटू कॉस अल्फा माइनस बीटा, एक्स प्लस थर्टी डिग्री माइनस करेंगे साइन चेंज, माइनस एक्स प्लस थर्टी डिग्री ओवर टू, तो ये आएगा टू साइन थर्टी से थर्टी कैंसल, एक्स प्लस एक्स टू एक्स ओवर टू, कॉस माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसल, थर्टी प्लस थर्टी सिक्सटी डिग्री ओवर टू, तो टू एन टू साइन टू से टू कैंसल एक्स, सिक्सटी को टू पर डिवाइड करें तो कॉस थर्टी डिग्री, हमारे पास आ गया टू एन टू साइन एक्स इन टू कॉस थर्टी डिग्री। ये हमारे पास था सम और डिफरेंस। हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.4, क्वेश्चन नंबर थ्री का पार्ट सेकेंड है। देखिये मैंने अभी आपको फॉर्मूले लिखे दिए थे, अगर आपके पास साइन अल्फा प्लस साइन बीटा है, देखिए अगर दोनों साइन है दरमियान में प्लस का साइन है, तो टू इंटू पहले साइन का फैक्टर आएगा अल्फा प्लस बीटा ओवर टू, फिर हमारे पास कॉस वाला फैक्टर आएगा। इसी तरह अगर आपके पास दोनों कॉस हैं दरमियान में प्लस है, तो मल्टीप्लीकेशन में दोनों कॉस आएंगे, कॉस अल्फा प्लस बीटा ओवर टू इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा ओवर टू। तो देखिए जरा व्हाइट बोर्ड पर फोकस करें, देखिए हमारे पास दोनों साइन दरमियान में प्लस, पहला फार्मूला यूज होगा, नीचे दोनों कॉस है दरमियान में प्लस, और हमारे पास वो सेकंड फार्मूला यूज होगा। तो मैंने क्या बोला था कि बड़े एंगल को आप अल्फा बोलेंगे, जो आपके पास छोटा एंगल है उसको आप बीटा बोलेंगे। तो अप्लाई करें दोनों साइन दरमियान में प्लस, फर्स्ट फार्मूला टू इंटू साइन, देखिए बेटा आपके पहले आप अल्फा प्लस बीटा का फैक्टर होता है, और बाद में आप अल्फा माइनस बीटा करते हैं, अल्फा प्लस बीटा एट एक्स टू प्लस, ये हमारे पास क्लियर कर लीजिए टू एक्स है, तो टू एक्स एट एक्स प्लस टू एक्स ओवर टू इन टू कॉस एट एक्स माइनस टू एक्स ओवर टू। अब आप देखें नीचे दोनों कॉस है दरमियान में प्लस, सेकेंड फार्मूला टू इंटू कॉस एट एक्स प्लस टू एक्स ओवर टू इन टू कॉस एट एक्स माइनस टू एक्स ओवर टू। तो देखिए मैंने राइट हैंड साइड ली थी, राइट हैंड साइड मैंने इसके बराबर साबित करनी है टेंजेंट फाइव एक्स की, तो टू इंटू साइन एट प्लस टू फाइव एक्स ओवर टू कॉस एट माइनस टू सिक्स एक्स ओवर टू ओवर टू इंटू कॉस टेन एक्स ओवर टू इंटू कॉस सिक्स एक्स ओवर टू, टू से टू कैंसल, ये हमारे पास सॉरी टेन एक्स है, कैंसिल करें क्या आएगा साइन फाइव एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स, टेन को डिवाइड करें टू पे फाइव और सिक्स को डिवाइड करें टू पे थ्री, इसमें टेन को टू पे डिवाइड करें कॉस फाइव एक्स, इस पर डिवाइड करें कॉस थ्री एक्स, कॉस थ्री एक्स से कॉस थ्री एक्स कैंसल, तो हमारे पास क्या आ गया साइन फाइव एक्स ओवर कॉस फाइव एक्स, तो साइन ओवर कॉस क्या होता है टेंजेंट फाइव एक्स, बराबर राइट
हैंड साइड। तो देखिए राइट हैंड साइड मैंने यही साबित करनी है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 10.4 है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है। cos 20 थीटा प्लस cos 100 थीटा प्लस cos 140 डिग्री। तो हमने इसका आंसर किसके बराबर साबित करना है, जीरो के। तो मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली, इसको आप अरेंज करें डिसेंडिंग ऑर्डर में, cos 140 डिग्री प्लस cos 100 डिग्री प्लस cos 20 डिग्री। मैंने cos 40 लिखा पहले, फिर मैंने 100 लिखा और फिर मैंने 20। इन दोनों को चेंज करते हैं, देखे दोनों cos दरमियान में प्लस। सेकंड फार्मूला, बड़े एंगल को मैंने कहा था अल्फा बोलें, अल्फा यहां क्या है 140 डिग्री, बीटा यहां क्या है 100 डिग्री। तो 2 cos, देखें अल्फा प्लस बीटा करेंगे पहले, अल्फा प्लस बीटा ओवर 2, फिर अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। 140 डिग्री प्लस 100 डिग्री ओवर 2, cos 140 डिग्री माइनस 100 डिग्री ओवर 2 प्लस cos 20 डिग्री। तो यह आएगा 2 cos 140 प्लस 100, 240 डिग्री ओवर 2 cos 140 माइनस 100, 40 ओवर 2 20 डिग्री प्लस cos 20 डिग्री। तो यह आएगा 2 cos 120, 240 को डिवाइड 2 पे 120 इनटू cos 20 डिग्री प्लस cos 20 डिग्री। cos 120 होता है माइनस 1/2, cos 20 डिग्री प्लस cos 20 डिग्री, 2 से 2 कैंसिल, माइनस cos 20 डिग्री प्लस cos 20 डिग्री, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल बराबर 0 बराबर राइट हैंड साइड। तो मैंने बताया था जो इसकी राइट हैंड साइड है वो क्या है, 0। देखिए मैंने इसको 0 के बराबर साबित कर दिया। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका पार्ट 3 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, जरा आप देख लें इसको हम कैसे मिलाएंगे। 5 प्लस 3 8, 1 प्लस 7 8। आप इनको कोशिश करें कि इनको अगर आप मल्टीपल को थीटे को ऐड करें तो आपस में क्या है बराबर। मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली है, बराबर करेंगे राइट हैंड साइड के। अगर आप गौर करें तो इसकी राइट हैंड साइड क्या है, टेंजेंट 4 थीटा। इसी तरह नीचे भी ऐसे करेंगे, 5 प्लस 3 8, 1 प्लस 7 8। तो इसको करें अरेंज, साइन 7 थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा ओवर cos 7 थीटा प्लस cos थीटा प्लस cos 5 थीटा प्लस cos 3 थीटा। देखिए दोनों साइन दरमियान में प्लस, दोनों साइन दरमियान में प्लस, पहला फार्मूला यूज हो जाएगा। यहां दोनों cos दरमियान में प्लस, यहां दोनों cos दरमियान में प्लस, कौन सा फार्मूला यूज होगा, सेकंड फार्मूला। तो अप्लाई करें इसको, अल्फा देखें, बड़े एंगल को आपने अल्फा बोला है, इसमें देखिए इसमें अल्फा क्या है 7 थीटा और बीटा क्या है थीटा। अगर आप इसमें देखें इस वाली रकम में अल्फा 5 थीटा है, बीटा हमारे पास क्या है 3 थीटा। अप्लाई करना शुरू करें, जब दोनों साइन हो दरमियान में प्लस, पहले साइन बाद में कॉस, तो 2 साइन 7 थीटा प्लस थीटा ओवर 2 कॉस 7 थीटा माइनस थीटा ओवर 2 प्लस 2। इसको चेंज करें, पहले साइन साइन 7 थीटा प्लस थीटा ओवर 2 सॉरी 5 है 5 थीटा और 3 थीटा, इसको लिखें आप 5 थीटा प्लस 3 थीटा इनटू cos 5 थीटा माइनस 3 थीटा ओवर 2 ओवर दोनों cos दरमियान में प्लस 2 cos 7 थीटा प्लस थीटा ओवर 2 cos 7 थीटा माइनस थीटा ओवर 2। देखिए दोनों cos दरमियान में प्लस, फिर वो दोनों cos आएंगे प्लस 2 cos 5 थीटा प्लस 3 थीटा ओवर 2 इनटू cos 5 थीटा माइनस 3 थीटा ओवर 2। तो इसको सॉल्व करें, 2 7 प्लस 1 8, 8 को 2 पे डिवाइड करें 4 साइन 4 थीटा
सेवन माइनस वन सिक्स डिवाइडेड बाई टू थ्री को थ्री थीटा प्लस टू साइन फाइव प्लस थ्री एट डिवाइडेड बाई टू फोर थीटा फाइव माइनस थ्री टू टू को टू से कैंसिल तो क्या आ गया कॉस थीटा ओवर टू सेवन प्लस एट डिवाइडेड बाई टू फोर थीटा सिक्स माइनस सेवन माइनस वन सिक्स डिवाइडेड बाई टू थ्री कॉस थ्री थीटा प्लस इधर भी ऐसे टू कॉस फोर थीटा फाइव प्लस थ्री एट डिवाइडेड बाई टू फोर फाइव माइनस थ्री टू डिवाइडेड बाई टू तो कॉस थीटा ऊपर से कॉमन निकाल लें टू साइन फोर थीटा क्या आएगा कॉस थ्री थीटा प्लस कॉस थीटा नीचे से भी कॉमन निकाल लें टू कॉस फोर थीटा क्या आएगा कॉस थ्री थीटा प्लस कॉस थीटा नेगेटिव सॉरी सेम फैक्टर कैंसल टू से टू कैंसल क्या आ गया साइन फोर थीटा ओवर कॉस फोर थीटा तो आपको पता है साइन ओवर कॉस क्या होता है टेंजेंट फोर थीटा तो देखें बराबर राइट हैंड साइड अगर आप देखें तो राइट हैंड साइड हमें क्या रिक्वायर्ड थी टेंजेंट फोर थीटा ये हमारे पास जो चार फार्मूले थे जिसको हमने चेंज करना था सम को प्रोडक्ट में।